Welcome to our channel Commerce 6. Today we will learn a new topic, consignment account. What is the meaning of consignment and why we need this type of consignment account? हाँ जी, कंसाइनमेंट अकाउंट इस तरह का बिजनेस जिसके अंदर क्या है जी, माल हमारा हम खुद सेल ना करें बल्कि हमारा कोई एजेंट जो है वो कमीशन बेस पे, रेमुनरेशन बेस पे या फिर किसी भी ऐसा फिक्स अमाउंट बेस पे वो सेल करे, जबकि वो हमारा माल खरीदेगा नहीं, वो भी कुछ कंडीशंस के बेस पे, लाइक एज ए रिटर्न बेस पे हमारे माल को एक बार रखे अपने पास और कुछ बेचने के बाद रिटर्न बेस पे वो अपने पास रख सकता है। तो ये जो एक नए टाइप का बिजनेस है वो कैसा बिजनेस है, वो है जी कंसाइनमेंट अकाउंट। एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए राम है, उसके पास एक बड़ी सी फैक्ट्री के अंदर लगभग 10,000 यूनिट की जो प्रोडक्शन है वो कर सकता है, लेकिन मार्केट के अंदर जहाँ पर वो रह रहा है उसकी जो डिमांड है वो केवल 2,000 यूनिट की ही है। 2,000 यूनिट ही वो ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकता है, तो वो 2,000 की ही प्रोडक्शन कर रहा है और 8,000 की जो उसकी कैपेसिटी है वो वेस्ट जा रही है। क्यों वेस्ट जा रही है? क्योंकि उसकी तो कोई डिमांड ही नहीं है। अगर वो 10,000 की यूनिट को प्रोड्यूस करता है और उसकी सेल होती है जी 2,000 की, तो 8,000 यूनिट को वो क्या करे, उसको वो स्टोर करे। स्टोर करने के बाद वो मैन पावर अलग से रखे ताकि वो उसका ध्यान रखे, और उसमें से कुछ जो माल है वो करप्ट भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है। अब क्या किया जाए? तो उसने क्या किया, 2,000 यूनिट को ही प्रोड्यूस कर रहा है और आराम से अपना सेटिस्फाइड है कि 2 का 2 माल ही उसका सेल हो रहा है। अचानक से उसका बेस्ट फ्रेंड मोहन आया बाहर से कहीं से और उसने देखा कि ये क्या, ये तो फैक्ट्री तुम्हारी बहुत बड़ी है, तुम तो कम से कम 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो उसने कहा कि मैं 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस तो कर दूं, लेकिन मेरे पास तो जो सेल है, जो डिमांड है मार्केट के अंदर, वो तो 2,000 यूनिट की है। बाकी की जो 8,000 यूनिट है उसको तो मुझे स्टोर करना पड़ता है। अगर मैं उसको स्टोर करता हूँ तो मुझे गोडाउन भी लेना होगा, अगर गोडाउन लेना होगा तो मैन पावर भी रखनी पड़ेगी, तो मुझे तो नुकसान होता है, इसलिए मैं तो 2,000 ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो बोले अगर आप 10,000 को प्रोड्यूस करोगे तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो तो काफ़ी कम हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी तो आपकी जो यूनिट है उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ऐसा करो ना, आप कंसाइनमेंट के थ्रू अपने माल को बेचो। बोले कंसाइनमेंट के थ्रू कैसे? बोले आपको सिर्फ प्रोड्यूस करना है, आप सिर्फ अपने माल को प्रोड्यूस करो, आपका जो एजेंट है वो रिटर्न बेस पे और रेमुनरेशन या कमीशन बेस पे आपके माल को उठा लेगा और वो ही बेचेगा। बोले क्या ये पॉसिबल है? बोले बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? बोले कंसाइनमेंट अकाउंट से। तो उसने कहा कि भी कंसाइनमेंट अकाउंट मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, जरा बताओ मुझे कि क्या होता है। तो उसने बताना शुरू किया जी। अब वो बताने लगा तो उसने कहा ऐसा करो, तुम तो कंसाइनर बन जाओ। कंसाइनर बन जाओ? बोले हाँ, तुम प्रोड्यूसर हो, तुम बन जाओ, तुम है ना कंसाइनर बन जाओ। कंसाइनर बन जाओ? बोले हाँ, कंसाइनर बन जाओ, माल को देने वाला जो कंसाइनर होगा, आप एक फिक्स यूनिट को अपने माल को एजेंट को भेज दो, कंसाइनर बनोगे। कंसाइनर का मतलब क्या हो गया जी? सेंडर, जो माल को भेजेगा वो हो गया जी सेंडर। और उसके बाद किसको दे दो? कंसाइनी को। कंसाइनी को दे दो, जो जिसको माल दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा जी? कंसाइनी, यानी कि देने वाला माल बन जाएगा कंसाइनर, और जो जिसको देगा वो हो जाएगा जी कंसाइनी। ये दोनों का जो बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा? बोले इसका मतलब क्या, मैं माल इसको सेल कर दूं? बोले नहीं, आपने सेल नहीं करना, आपने रिटर्न बेस पे इसको देना है, जितने यूनिट ये बेचेगा बाकी की आपको वापस दे देगा। बोले अच्छा, तो फिर मैं क्या हो गया? बोले आप हो गए जी प्रिंसिपल और ये हो गया जी एजेंट। तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा वो कौन सा बनेगा जी? एजेंट और प्रिंसिपल का।
रिलेशनशिप बनेगा, ये कभी भी बायर नहीं बनेगा, ये हमेशा ही एजेंट रहेगा। तो अब क्या हो गया जी, आप क्या दोगे इसको? आप दोगे इसको कमीशन, या फिर आप इसको रेमुनरेशन भी दे सकते हो, या फिर आप इसको फिक्स अमाउंट भी दे सकते हो। बोले ठीक है जी। और ये क्या करेगा, ये आपसे एक तो कमीशन ले सकता है, एक आपसे रेमुनरेशन ले सकता है, एक आपसे फिक्स अमाउंट ले सकता है। उसी बेस पर तो आपका माल बेचेगा ना, नहीं तो इस एजेंट को क्या जरूरत है कि ये इसके प्रिंसिपल के माल को बेचे। तो इसको भी लालच है कि या तो ये कमीशन लेगा, या रेमुनरेशन लेगा, या फिर ये क्या लेगा जी, फिक्स अमाउंट लेगा। अब आ गया जी, कुछ खर्चे करने पड़ेंगे कंसाइनर को। वो खर्चे कौन कौन से करने पड़ेंगे? अगर वो माल को भेजता है तो उसे अपने माल को भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैकिंग करनी पड़ेगी, लोडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि ट्रैवलिंग खर्चे हो गए इसके, पैकिंग के, लोडिंग के और फ्रेट, डॉक चार्ज भी लगेगा। वो लग जाएगा इसका, और उसके बाद कंसाइनी के पास ये माल पहुंच जाएगा। अब कंसाइनी क्या है, क्या वो भी कुछ एक्सपेंस करेगा? बोले बिल्कुल करेगा। उसके बाद के खर्चे हैं वो कौन करेगा? वो कंसाइनी करेगा। तो ये खर्चे कौन कौन बियर करेगा? बोले ये कंसाइनी, जो आप माल भेजोगे कंसाइनर, आपको ही ये सारे के सारे खर्चे बियर करने पड़ेंगे। बोले ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम लोग, अब कंसाइनी के पास आ गए, कंसाइनी क्या करेगा, माल को उतारेगा, गोडाउन तक लेके जाएगा, तो वो भी फ्रेट करेगा, उसके बाद गोडाउन में रखेगा, यानी कि गोडाउन का रेंट भी देगा, स्टोरेज भी करेगा, किसी शोरूम वगैरह में माल को भी रखेगा। तो इसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो होंगे जी दो टाइप से, एक तो रेकरिंग एक्सपेंसेस, रेकरिंग एक्सपेंसेस जो कि उसको बार बार करने पड़ेंगे मेंटेनेंस चार्ज के, और कुछ एक्सपेंस हो जाएंगे जी नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो इस प्रकार से ये इनका प्रोसेस रहेगा कंसाइनर और कंसाइनी का। कंसाइनर क्या है, पैकिंग करेगा, लोडिंग करेगा, फ्रेट करेगा, डॉक चार्ज देकर माल को कंसाइनी के पास भेज देगा, और जो कंसाइनी है उसके बाद वो भी माल को ट्रांसपोर्ट से लेके जाएगा वहाँ पर गोडाउन में, और गोडाउन का रेंट भी बियर करेगा, स्टोरेज भी करेगा और मेंटेनेंस भी करेगा। तो रेकरिंग और नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस भी वो करेगा। ठीक है जी, ये हो गया कंसाइनी और कंसाइनर का रिलेशनशिप, ये हो गया जी आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। अब अगले पार्ट के अंदर हम लोग समझेंगे कि कमीशन कैसे कैसे लेगा, क्या कमीशन सिंपल होगा या फिर कुछ स्पेशल कमीशन भी ले सकता है वो, या फिर कुछ और भी कंडीशंस होंगी, और कैसे क्या वो बिल ये बनाएगा या बिल ये बनाएगा जब वो माल लेके जाएगा, तो क्या क्या रहेगा आगे का जो फर्दर प्रोसीजर है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी ये छोटी सी जो इंट्रोडक्शन है मैंने आपको दी है कंसाइनमेंट अकाउंट की, कि बहुत ज़्यादा बिजनेस अगर हमारा बढ़ता जा रहा है, हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो अब उसको मैनेज क्या किया जाए। प्रोडक्शन वाला या तो प्रोडक्शन ही करेगा या फिर वो सेल करेगा। अब वो ये चाहता है कि मेरी प्रोडक्शन भी ज़्यादा रहे, मेरी फिक्स कॉस्ट भी कम आए, और मेरा जो बिजनेस है वो भी बढ़े, और साथ ही साथ क्या है कि मेरी सेल भी बढ़े। तो वो सब करने के लिए ये कंसाइनमेंट अकाउंट का नया जो टेक्निक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।